बड़ी प्यारी क्यूट सी है, इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल होता है, उसका हमें कान काटना पड़ गया। ये है उस फीमेल की मदर। लूसी को टिक्स पड़े हुए हैं जी बहुत ज्यादा, इसे आज सुबह इंजेक्शन लगाया ताकि इसके टिक्स जो हैं ये मर जाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बेसिकली बाहर एक है आवारा सी बिच है, वो बाहर डेरे पे रहती है हमारे, अक्सर वो इस गेट पे आ जाती है। उसे काफी ज्यादा टिक्स चिमटे हुए हैं दोस्तों, तो जब वो गेट पे आती है ये भाग के उसे गले लगा लेती है, उससे टिक्स इस पे आ गए हैं और इससे फिर आगे जो है वो बकरियों में चले जा रहे हैं। पहली मरतबा आज मैंने जिंदगी में देखा हमारे फार्म पे एक बकरी के कान पे टिक चिमटा हुआ था, तो इसलिए आज मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। हम उसके पास तो नहीं जाने देते इसे, फिर भी ये चोरी चोरी जाकर उससे मिल लाती है, लेकिन आज इसका ट्रीटमेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ जो टिक्स हैं वो इंशाल्लाह उतर जाएंगे। इस सेक्शन में दोस्तों छोटे बच्चे हैं, उनमें से एक फीमेल है बड़ी प्यारी क्यूट सी है, उसके कान में पानी भर गया। काफी अरसे बाद हमने ये प्रॉब्लम देखी है, उस बेचारी का कान काफी भारी हो गया, अभी हम उसका करने लगे हैं ट्रीटमेंट। ये सामने है वो बेचारी व्हाइट कलर वाली फीमेल है, अभी छोटी सी है, इसका आप ये देख सकते हैं लेफ्ट वाला कान जो है इसमें पानी भरा हुआ है। 3 साल पहले तकरीबन एक बच्चा था उसके कान में पानी भर गया था इस तरह। इसका ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल होता है, पानी एक मरतबा आप निकालें तो दोबारा फिर भर जाता है। उसके बेचारे के कान में ये प्रॉब्लम हुआ था, हम पानी निकालते थे फिर भर जाता था, उस वक्त हमें कोई इतना खास ट्रीटमेंट भी नहीं था पता। खैर उसका हमें कान काटना पड़ गया, उसके बाद भी उसकी हम केयर नहीं कर सके। खैर उसका जख्म खराब हो गया, उसके कान में कीड़े पड़ गए, खैर बड़ी मुश्किल से फिर हमने उसका कान ठीक किया। तो ये प्रॉब्लम बड़ा ही कह रहे हैं कि खतरनाक है, जान ही नहीं छोड़ता, तो हम पकड़ने लगे हैं जो इसने आगे ला के भागना शुरू कर दिया। इसे हम दोस्त इधर बाहर ले आए हैं ताकि इसका जो ये पानी है गंदा ये बाहर गिरे, बाड़े में ना गिरे। ये देखें आप इसके कान में कितना पानी भरा हुआ है। मसला यह दोस्तों कि ये पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके कान में स्वेलिंग ज्यादा से ज्यादा हो ही जा रही है। इसका बहुत जल्द ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हमने भी 3 दिन पहले वैक्सीनेशन किया तो इसका कान पकड़ा तो हमें पता चला, शुक्र है जल्दी पता चल गया। इस तरह चेकअप करते रहना चाहिए जानवरों का, बस हमसे लापरवाही हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लक्की है, टाइम पे पता चल गया। अभी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। ये ब्लेड नया मंगवाया, इससे हम कट लगाएंगे, ये स्प्रे है, स्प्रे कट पे लगाएंगे ताकि मक्खी वगैरह ना बैठे, और ये 2 इंजेक्शन है इंशाल्लाह ये लगाएंगे। ट्रीटमेंट इसका दोस्तों हो गया बेचारी, बस अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है ये, इस बाड़े में इसकी मदर रहती है। ये है उस फीमेल की मदर दोस्तों, माशाल्लाह कलर भी देखे उसकी तरह वाइट है, फेस भी, इसका बच्चा नहीं है लेकिन इसके साथ जुड़ के बैठा हुआ है। फीमेल के जख्म को हमें मक्खियों से बचाना होगा, मक्खियाँ बहुत है। तो ये वाला जो मैंने स्प्रे लगाया ये मुझे किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, लेकिन ये मक्खियों को नहीं हटाता है, मक्खियों को रोकता नहीं है जख्म पे बैठने से। अभी मैं थोड़ी देर तक शहर जाऊंगा और नई मेडिसिन लेके आऊंगा, एक पाउडर टाइप होता है वो मक्खियों को रोकता है बैठने से, वो इसके कान पे लगाऊंगा। अगले 3-4 दिन हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और इसके कान में जो पानी है जितना भी थोड़ा बहुत जमा होगा हम उससे निकालते रहेंगे। उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। आज 2रा दिन है दोस्तों, इस सेक्शन में जो फीमेल है जिसके कान में पानी पड़ा हुआ है वो ठीक नहीं हो रही। कल हमने इसका पानी निकाला है तो आज मैंने अभी देखा इसका कान दोबारा पानी से फुल भरा हुआ था। अब देख सकते हैं ये इसका जो जख्म है ये बंद हो गया था, अभी इसे थोड़ा सा मैंने ओपन किया है और दोबारा पानी निकाला है। तो जो कल मैंने दोस्तों ट्रीटमेंट किया उसने कोई काम नहीं किया, जो मैंने इंजेक्शन लगाया बेसिकली मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वो ठीक नहीं है। अभी मैंने डॉक्टर से खुद बात किया, जो हमारे इधर सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे एक और तरीका बताया। उन्होंने कहा कि जो आपने कट लगाया उसमें आप एक पाइप डालें ताकि पाइप से इसका पानी जो है वो ड्रेन होता रहे, और एक इंजेक्शन भी उन्होंने मुझे और बताया, स्टीराइड है, उन्होंने कहा कि आप वो इंजेक्शन लगाएं। तो अभी मैं इसका वो ट्रीटमेंट करने लगा। तो दोस्तों ये आप मेरे हाथ में सारा ट्रीटमेंट का सामान देख रहे हैं, ये एक छोटा सा पाइप है, ये इसके कान में मैं डालूंगा, उसके ऊपर से ये एक टेप है,
टेप लगाऊंगा हल्की सी ताकि ये पाइप गिर ना जाए। ये सफेद वाला इंजेक्शन स्टीराइड का है, ये मैं इसे लगाऊंगा। और ये साथ में बड़ी सिरिंज जो है इसमें पायोडीन भरी हुई है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि एक मरतबा जो इसके कान में पानी है आपने सबको ड्रेन करना है, उसके बाद इस जो पायोडीन है पायोडीन इंजेक्ट करनी है अंदर, और इसका अंदर से जो जख्म है उसे वॉश करना है। तो ये सारा कुछ मैं करने लगा हूँ, बस ये पाइप टिका रहे, असल चीज़ ये है पाइप ना गिरे, ताकि इसके कान में जो पानी भर रहा है बार बार वो पानी इस पाइप के जरिए ड्रेन होता रहे, और जब इंजेक्शन लगाएंगे तो इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। तो अभी ये वाला तरीका ट्राई करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है वरना इसका कान काटना पड़ सकता है, वो बेचारी छोटी सी ऐसे पेन काफ़ी होगी, ये कान से महरूम हो जाएगी। पहली मरतबा ये मैं ट्रीटमेंट ट्राई करने लगा हूँ, तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो दोस्तों पायोडीन हमने इंजेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन पायोडीन इसके अंदर नहीं जा रही, अंदर वेन्स वगैरह हैं तो वो सारी ज़ाया हो गई है। खैर बाहर से इसका ज़ख्म वाश हो गया पायोडीन से, और जो पाइप है वो बड़ी अच्छी तरह अंदर इंजेक्ट कर दी है, ऊपर टेप भी लगा दी है। पर अभी हम इस पर चेक रखेंगे इस पाइप पर, अगर ये पाइप दोबारा गिरती है तो फिर हम दोबारा इसे अंदर इंजेक्ट करेंगे। अभी दोस्तों इस बड़े सेक्शन में हमने इस साइड पर सफाई की है, इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा मैनूर जमा था, खासकर इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा गीली थी यहाँ से, क्योंकि बकरियाँ सारी रात को इस साइड पे बैठती हैं इधर मिलकर, तो इधर ही वो मेंगनियां वगैरह यूरिन करते हैं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा मैनूवर निकला है।